On the 20th of July, India banned the export of non-basmati white rice. The compulsions were purely domestic. But this time, it's not people hunting for masks or sanitizers. Instead, people are seen fighting for bags of rice. Absolutely. Now, Indians in North America. Recently, India ne rice ban kar diye aur Russia grain deal se piche hat raha hai. Is news ke bare mein to aapko pata hi hoga. Lekin iska jo outcome nikalega, matlab duniya bhar mein hunger ka increase hona, to kya uske liye India responsible hoga? Ya fir Russia Ukraine war? या फिर इसका कोई और कारण भी हो सकता है। रिसेंटली मैंने वर्ल्ड बैंक की फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट पढ़ी और उसको पढ़ते पढ़ते मैं क्वेश्चंस में फंसता ही चला गया और मुझे समझ आया कि ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि कैसे इस मामले में ग्लोबल ट्रेड से लेकर इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक सब शामिल है और मुझे नहीं पता था कि फूड को भी वेपनाइज किया जा सकता है या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल फूड सप्लाई चेन के बारे में, इसके सेंसिटिव बैलेंस के बारे में, कैसे टाइम टू टाइम फूड सप्लाईज का इस्तेमाल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टूल की तरह किया जाता है और इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें तो रोना आ रहा है यहाँ पे देख देख के, लाशें आ रही हैं जो सब है। 2020 से 2021 में कोविड और 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल लेवल पर एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर करा जिसका असर पेट्रोलियम, ग्लोबल पॉलिटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ग्लोबल फूड सप्लाई पर देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारी डेली लाइफ बहुत फास्ट, स्मूथ और इंटरकनेक्टेड तो है, लेकिन इसी के बीच ग्लोबल फूड सप्लाई से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अक्सर हमारे नोटिस में नहीं आती हैं। जो ये ग्लोबल फूड सप्लाई का बैलेंस है वो कितना ज्यादा नाजुक है। हमारी पूरी दुनिया डाइवर्सिटी से भरी पड़ी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजीज, कल्चर और लाइफस्टाइल है, पर एक चीज सब में कॉमन है और वो है फूड। कपड़े और मकान के बिना तो लोगों ने पहले भी सर्वाइव करा है और जरूरत पड़ने पर आगे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फूड के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है और वो भी खासकर तब जब वर्ल्ड वाइड लगभग 80 करोड़ लोग हंगर और अंडर न्यूट्रिशन फेस कर रहे हों, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% हिस्सा। लेकिन ये नंबर किस तरह ग्लोबल पॉलिसीज, इकोनॉमी, ट्रेड और पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। 1798 में एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थॉमस मैल्थस ने अपने फेमस एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर ऐसी ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में हमें मास स्टार्वेशन यानी भारी संख्या में भूखमरी जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसको या तो महामारी से टाला जा सकता है या फिर वॉर से, क्योंकि जब बीमारियों और वॉर्स की वजह से ज्यादातर लोग मर ही जाएंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन तो अपने आप कम हो ही जाएगी और जिंदा बचे लोगों को खाने की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन रियलिटी में फार्मर्स लगातार फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते चले गए। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो पिछले 50 सालों में ग्लोबल पॉपुलेशन तो डबल हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन भी 3 गुना इंक्रीज हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है और फूड की कमी है जैसे कि इन्होंने कहा था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सभी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में पहले से ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने ग्लोबल सी रूट्स को अपनी नेवीज की हेल्प के साथ प्रोटेक्ट करने का काम किया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था क्योंकि इनके लिए चीजों को खुद मैन्युफैक्चर करने के मुकाबले ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। ग्लोबलाइजेशन करने में शिपिंग की प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इसकी वजह से सस्ता फूड, एनर्जी, लेबर और कॉमोडिटीज का ट्रेड 1940s में $1 ट्रिलियन से 75 ईयर्स में $100 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और इसी टाइम पीरियड के दौरान ग्लोबल पॉवर्टी 60% से 10% तक कम हो चुकी है। अब जरा इस मैप को देखें जिसमें ये दिखाया गया है कि धरती के कौन से हिस्से एग्रीकल्चर करने के लिए फेवरेबल है। धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी है और लगभग 29% हिस्सा जमीन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 29% हिस्से में भी सिर्फ 10% हिस्सा ऐसा है जिसको एरेबल एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है, यानी जहां पर फसलों को उगाया जा सकता है, खेती करी जा सकती है। और यही कारण है कि ग्लोबल फूड सप्लाई का 70-80% हिस्सा सिर्फ 10 कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर नेचर पर डिपेंडेंट फील्ड है, इसमें फर्टाइल लैंड के साथ इरिगेशन के लिए पानी और सूटेबल क्लाइमेट के कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब धरती पर ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा कम अवेलेबल है कि ज्यादातर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी बहुत कम कंट्रीज पर आ जाती है और जो कंट्रीज फूड प्रोडक्शन के मामले में फेवरेबल नहीं है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनकी जरूरत सभी देशों को लगातार अपनी एडवांस इकोनॉमीज को चलाए रखने के लिए पड़ती है और इस तरह सभी देशों के बीच ट्रेड बैलेंस बना रहता है। और इस मैप में आप देख सकती हो कि कौन सी कंट्रीज कौन सा फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं और इनमें भी कुछ कंट्रीज ग्लोबल फूड सप्लाई चेन को डोमिनेट करती हैं।
जैसे कि अमेरिका, चाइना, इंडिया और ब्राजील। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि अगर हमारे पास इतना ज्यादा फूड अवेलेबल है तो क्या कारण है कि आज 80 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। और अगर हम ग्लोबल हंगर को फूड की अवेलेबिलिटी से कंपेयर करें तो अकेला अमेरिका ही इतना ज्यादा फूड वेस्ट कर देता है जितना कि ग्लोबल हंगर को खत्म करने के लिए काफी है। तो असल में प्रॉब्लम कहां पर है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि जो टॉप 10 फूड प्रोडक्शन वाले देश हैं, इनमें से अगर कोई भी देश किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो पूरी फूड सप्लाई चेन पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस भुखमरी बढ़ने के मेन रीजंस हैं जो ग्लोबली पॉलिटिकल फेलियर्स को भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 में वीट प्राइस इंक्रीज होने शुरू हुए और रशिया के द्वारा यूक्रेन की इन्वेजन के बाद वीट प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने लगे और इस महंगाई में जो कमी रह रही थी उसको रशिया पर लगे सैंक्शंस ने पूरा कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पीरियड के दौरान ग्लोबल वीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुए। अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग वीट प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से प्राइस को कम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। पर क्यों? यहां सामने आती है हमारी पहली प्रॉब्लम यानी कॉरपोरेशंस। आर्चर डेनियल्स मिडलैंड, बंच, कारगिल और लुइस ग्रीफस, ये वो चार कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया के 70-90% ग्रेन ट्रेड को कंट्रोल करती हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान फूड की कमी हो गई तो इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जबकि कुछ 34 करोड़ लोगों को फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। और इस मामले में अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन ने कहा कि सैंक्शंस की गेम में अफ्रीका का कोलेक्ट्रल डैमेज हुआ है। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्टर ने कहा कि ये कंपनीज हंगर को रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, पर इन कंपनीज ने लोगों की प्रॉब्लम से आगे अपनी प्रॉफिट को रखना ज्यादा जरूरी समझा। इसी तरह फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस के प्राइस सैंक्शंस के बाद आसमान छूने लगे और इसी वजह से इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मेजर ग्लोबल फर्टिलाइजर कंपनीज के प्रॉफिट कहीं ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब ये सब कुछ क्लियरली दिखा रहा है कि फूड क्राइसिस इन कंपनीज के लिए सिर्फ एक पैसा कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फूड सप्लाईज का यूज थ्रू आउट द हिस्ट्री एज अ डिप्लोमेटिक टूल करा गया है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के अंडर वॉर से डैमेज हुई यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिक असिस्टेंस और फूड शिपमेंट भेजे थे और इस वजह से अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज का लॉन्ग टर्म एलाई बनने में हेल्प मिली। इसके अलावा 1958 में चाइना ने अपनी चाइनीज राइस डिप्लोमेसी के साथ अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करा। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट भी टाइम पर जरूरत में फंसी हुई कंट्रीज को फूड सप्लाई करके अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करती आई है। रिसेंटली रशिया ने भी अफ्रीकन कंट्रीज को ये भरोसा दिलाया है कि रशिया उनको फूड सप्लाई करता रहेगा। रिसेंट टाइम्स में इन सब देशों ने फूड सप्लाईज के रिलेटेड कोई ना कोई बैन इम्पोज कर रखे हैं और यही कारण है कि क्यों ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से कंट्रीज प्रोटेक्टिव होकर चल रही हैं ताकि आने वाले टाइम में डोमेस्टिक मार्केट्स में फूड की शॉर्टेज ना आ जाए। इंडिया में 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वोट्स को ही डैमेज करना शुरू कर दे, क्योंकि महंगाई किसी भी गवर्नमेंट को हरा सकती है और गवर्नमेंट ये बात अच्छी तरह से जानती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हंगर के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। IMF ने ये कहा कि इंडिया के द्वारा राइस की सप्लाई को बैन करना दुनिया को और भी ज्यादा भुखमरी की ओर पुश कर देगा। पर सब कुछ इतना सिंपल और सीधा सीधा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो इंडिया के द्वारा कोई फूड बैन नहीं था, फिर क्यों ग्लोबल हंगर इतना इंक्रीज हो रही थी जो कि अब भी हो रही है। तो ये है लिस्ट उन देशों की जिनमें हाई फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। इस लिस्ट में 37 कंट्रीज शामिल हैं और इनमें से कुछ देशों की हालत इतनी अच्छी तो है कि फूड क्राइसिस के टाइम पर वो अपने आप को स्टोर करे हुए फूड से बचा सकें। बट फिर भी इन कंट्रीज की बुरी गवर्नेंस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये फूड शॉर्टेज का सामना कर रही हैं। जो देश आपस में लड़ रहे हैं वो एक दूसरे की फूड सप्लाई को डैमेज करते हैं ताकि दुश्मन को कमजोर किया जा सके, और इस प्रोसेस में हजारों ही इनोसेंट लोग सफर करते हैं और ज्यादातर ये लोग उन कंट्रीज में रहते हैं जो कंट्रीज लोएस्ट इनकम कंट्रीज की लिस्ट में भी शामिल हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास फूड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी सफिशिएंट नहीं है, पर उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी गवर्नेंस होने की वजह से ऐसे बहुत से देशों से ऊपर रैंक करती है जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फूड सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अपने देश के लोगों को सही प्राइस और अच्छी क्वालिटी का खाना देने में फेल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड भी है, वर्कफोर्स भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट,
वो वहाँ पर मिसिंग है। बाय द वे पाकिस्तान की जो रूट प्रॉब्लम है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, आप उसको भी जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।